शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये राखी याद है तुम? अब तुमने हमसे अपनी रक्षा का अधिकार ही छीन लिया तो फिर कच्चे धागों का क्या मोल है श्रवणी? जिस तरह से तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना है ना श्रवणी, याद रखना एक एक करके तुमसे एक एक रिश्ता हमने ना छीना ना तो हमारा नाम भी चंद्रा नहीं। I'm extremely sorry, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। पापा देखिए, देखिए, उसने मैसेज किया है हमें, शादी पे बुलाए। पापा हमने झूठ नहीं बोला, पापा, पापा, हम शादी करने वाले थे, लेकिन, लेकिन इसके वजह से इसने अपना इरादा ही बदल दिया और इससे शादी कर ली। क्योंकि इसको पता चल गया था कि दीदी की मेडिकल कॉलेज में सीट आई है और इसने फौरन अपना प्लान ही बदल दिया। क्योंकि इसको अपनी बहन को मेडिकल की सीट दिलानी थी। इसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी पापा। स्वीटी, 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 स्वीटी बैठो, बैठो। स्वीटी नहीं चाहिए पानी। तुमको तो पता था ना, तुमको तो सब पता था कि हमारा बच्चा होने वाला है। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम तो हमें जवाब भी दी थी कि तुम हमारे शादी करवाओगी। क्यों किया ऐसा? क्यों? हम कहीं की नहीं रहे, कहीं की नहीं रहे हम। किसने मारा है हमारे बच्चे को? किसने मारा है हमारे बच्चे को? तुम आखिर चाहता क्या है? तू हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। गिरा हुआ इंसान है तू, गिरा हुआ। ये क्या दान बो दिया स्वीटी ने? शिवांश गुस्से में कहीं हमारा भांडा ना फोड़ दे, बिना मतलब सारा खेल बिगड़ जाएगा। अभी भी मौका है, हमें पूरी तरह से अपना लो, वरना नीचे जो होने वाला है ना उसके जिम्मेदार होंगे। तुम्हारा ये सपना है ना, साथ तो जगह में भी पूरा नहीं होगा। लीजिए, 24 घंटे में ये दवाई अपना असर कर लेगी और आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। शुरुआती दिनों में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तो क्या है ना, हमारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए ये कदम। थैंक यू। क्या बात है बहन जी? जीवन धारा नारी शक्ति संस्था से हैं हम। हाँ तो क्या हुआ, कैसे आना हुआ? यहाँ जो अन्याय हो रहा है उसके बाद आना ही पड़ा। शिवान सिंह ने आपकी बेटी स्वीटी से शादी का वादा करके उसे बरगलाया।
और उसके बाद उसकी बहन से शादी कर ली। और आज जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसमें बच्चा गिराने का दबाव बना रहे हैं। देखिए बहन जी, ये हमारे घर का निजी मामला है। यूं आपकी बेटी ने ही हमसे मदद की गुहार लगाई है। स्वीटी, सुनिए देवी जी, हमसे बात कीजिए। हम है शिवांत सिंह और आप लोग यहाँ पे जो धंधनाते हुए चले आए हैं ना, चढ़ाने से पहले पता कर लेती कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। दीदी, दीदी आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, हमारा बच्चा मर गया। इस शिवांश ने हमारे बच्चे को मार दिया। ये लड़की अब क्या नया ड्रामा कर रही है? इसने हमको सीढ़ियों से गिरा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। स्वीटी, इतना बड़ा अपराध करने के बाद छाती चौड़ी करके हमारे सामने खड़े हो? चलो बहनों, इसका मुंह काला करके गले में चप्पलों की माला पहनाकर जब पूरे शहर में घुमाएंगे ना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, मुंह जरूर काला करना है इसका, पूरे गोरखपुर में घुमाइए इसको। डरते नहीं है इन धमकियों से हम? पहले साबित कीजिए, फिर बात कीजिए, और फिर जहां खड़ा होना बताइएगा, हम पहुंच जाएंगे। जिस अदालत में बुलाना हो बुला लेना, हम आके वहां पे यही जवाब देंगे जो अभी है। ये बच्चा हमारा था और ना हम इसको मारे। शिवांश, जी तो चाहता है तुझे गोली मारते हैं, लेकिन ये सजा तेरे लिए बहुत कम है। ले जाइए इसे और जो करना है करिए इसके साथ। श्रवणी बेटा, देखो देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। देखो बेटा, हमारे शिबू को बचा लो। शिबू में लाख बुराइयां हो सकती है, लेकिन इस तरह से किसी अनजन में बच्चे को मारना, नहीं, हमारा शिबू नहीं कर सकता ऐसे, बिल्कुल नहीं। और बेटा याद करो, तुम्हारी जान भी तो बचाई थी ना शिबू ने। हाँ, बचा लो शिबू को, बचा लो। कौन है आप लोग? हमने कहा रोकिए थे, और राज चिंता इंसान की चीर फाड़ करने के जुर्म में आपको जेल करवा देंगे। काश उस दिन दीदी बीच में ना आई होती, काश उस दिन हमारी शादी हुई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उस दिन नहीं समझ में आया था कि इसने ऐसा क्यों किया, पर आज समझ में आया क्यों किया था। क्योंकि इसे जो करनी थी शादी, श्रावणी कह रही, ये सच कह रही? हमारा शिबू ऐसा नहीं कर सकता, हमारा शिबू उसे कभी नहीं कर सकता, हमारा शिबू ऐसा नहीं कर सकता। श्रवणी, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, बोलो। हमारा
देखो जी, स्वीटी सही कह रही है। कब से चल रहा है ये सब? आप उससे क्या पूछ रहे हैं? हम बताते हैं सच। अरे अच्छा हुआ रोक दी शादी। ये झूठी और मक्कार लड़की हमारे पास आई थी श्रवणी बनकर हमसे ब्याह करने, श्रवणी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर। और इसने हमसे कहा था अगर हमने इससे शादी कर ली तो ये अपनी सीट खुशी खुशी स्नेहा को दे देगी, इसलिए हम मान गए थे। बकवास कर रहे हो तुम? पूरे शहर के अखबारों में श्रवणी की फोटो छपी थी और तू कह रहा था ये पता ही नहीं था? वही देख के हमें यकीन हुआ था कि असली श्रवणी कौन है। अफसोस है श्रवणी, बहुत अफसोस है। मैं ये सब जानते हुए भी इस झूठ में इसका साथ दिया। अच्छा तो शिवांश के काले कारनामों में ये लड़की बराबर की भागी है। हाँ कैसी बहन है, अपनी ही बहन का हक छीन लिया। जो सजा शिवांश को मिलेगी वही श्रवणी को भी मिलेगी। शिवान सिंह, या तो तुम जेल जाओगे या श्रवणी को छोड़कर स्वीटी के साथ शादी करोगे। सोच लो, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। चलो हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, स्वीटी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। सुप्रियो, डॉक्टर ने कहा है तुम कमजोर हो, तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखना है। गाना गा रही हूँ, इतना रायता फैला के गाना गा रही हो? गला घोट दे तुम्हारा ताकि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या हो गया था? हाँ ये जो पूरे जग में ढिंडोरा पीटी हो अपना कांड करने के बाद, ये गुल खिलाने के बाद तुम्हें क्या लगता है बिन ब्याही माँ बनना कोई बहुत बड़ा काम है? बाप की इज्जत कभी नहीं सोचा? बाप की इज्जत कभी नहीं सोचा? हाँ? और काहेली शिवांश का नाम, काहेली शिवांश का नाम, हम कहे थे ना वो हमारे खेल का मोहरा है और उस दिन तो किसी और का नाम बताई थी। फिर कहाँ से सूझी तुमको उसका नाम लेने का? हाँ? खेल आपका, मोहर है आपके और इस खेल में जीत होगी तो भी आपकी। हमारा क्या, हमको क्या मिलने वाला है इस खेल से? हाँ कहे तो थे तुमसे कि हम ठीक कर देंगे सब कुछ, और कोई माँ होती ना वही मैं काट डालती, लेकिन तब भी हम तुम्हारा साथ दिए। कहे कि तुम हमारी बेटी हो, हम इतनी मुश्किल से
एक एक पिसात बिछाए थे, सब मट्टी पलीत कर दी, सब के सब लेकर गई फोन सबके पास। ये देखो पापा, हाँ इतना नौटंकी सीखी कहाँ से हो तुम? कहाँ से सीखे ये त्रियाचरित? मम्मी मम्मी क्या ड्रामा चल रहा है? हमने ये कहाँ से सीखा है? मम्मी हम आप ही की बेटी है और बचपन से ना आपको देख के आ रहे हैं, आपसे सीख लिए। और हमको भी ना बाजी पलटनी बहुत अच्छे से आ गई है। अब हमें ना शिवांश चाहिए, मतलब चाहिए बस बस। बात तो सच है तो ये पगलेट हमारी ही बेटी कुछ भी कर सकती है, क्या करे कि बनता खेल बिगड़े ना। ताऊ जी दवाई लेकर आए, ले लीजिए, वरना आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना। दिल की धड़कन बची कहाँ है? ऐसा काम करो, हमको दवाई की जगह ना ले आओ, हमको खिला दो। एक है बार में सो मोक्ष बच जाए। ताऊजी हम, हाँ तुम कौन हो? तुम वो श्रमणी नहीं हो, तुम वो श्रमणी हो ही नहीं सकते। हमारा बहुत दिल तोड़ा है, हम तो उस श्रमणी को जानते हैं जो जो अपनी बात से मुकरती नहीं थी, दिल नहीं तोड़ती थी, अपनी मनमानी नहीं करती थी। तुम वो नहीं हो ताऊजी, चली जाओ यहां से। इससे पहले हम वो बात कह दें जिसको कहने के बाद हम जिंदगी भर अपने आप को माफ ना कर पाए। आखिर हो क्या रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, सबनी ऐसे कैसे बदल गई, उसके बर्ताव में इतना बदलाव। ये वो सबनी नहीं है। सवालों का जवाब पाना है तो हमें एक ही जगह से मिल सकता है। क्या कहे ताऊ जी से, कैसे बताए उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब होते हुए भी कुछ नहीं बता सकते उन्हें? कैसे कहे कि हम खुद चाहते थे कि शिवांश स्वीटी और उसके बच्चे को अपनाए, पर फिर ये सवाल उठेगा कि हमने शिवांश से क्यों शादी कर ली? तब क्या कहेंगे ताऊ जी से? उन्हीं की जान बचाने के लिए हमने हमने शिवांश से शादी कर ली। आप ही बताइए माता रानी, हम क्या करें? एक आप ही हैं जिसे हमारी मजबूरी पता है, हमारी मदद कीजिए।
हेलो, हमें तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। फौरन मिलो। ओके। तुम्हें तो शिवांश पसंद नहीं है ना, तो दे दो ना हमें अपना पति। शिवांश कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें दे दे। तो बताओ वो क्या है तुम्हारे लिए? पति मानती हो उसे? लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं झूठ मूठ लड़ते लड़ते तुम उसे सच्ची में दिल दे बैठे? हमने कहा था श्रवणी को छोड़कर स्वीटी को अपना लो, पर तुम हमारी बात नहीं माने। अब पूरा गोरखपुर देखेगा कि एक लड़की के साथ बदसलूकी करने का अंजाम क्या होता है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।